मिंचनाबाद, बहावलनगर, बहावलपुर और बोरे वाला, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी नाश्ता किया इलवी वालों का नाम ही काफ़ी है हमारे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, स्ट्रीट फूडर के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम मौजूद हैं द सिटी ऑफ एजुकेशन बोरेवाला में। बोरेवाला के सबसे पहले तो नाश्ते ट्राई करेंगे हम लोग, तो नाश्ते के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे जी? तो आज हम आए हैं विहाड़ी बाज़ार अरफान अलवी लाहौरी नाश्ता बोरेवाला में, तो आज हम ट्राई करते हैं इनका नाश्ता। हाँ जी, तो यहाँ पर इनका नाश्ता मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? कौन कौन सी वैरायटी होती है ये नाश्ते में? हम हमारे पास चने अंडा होता है, हलीम होती है, कोफ्ते होते हैं, पाए होते हैं, बड़े पाए। ये यहाँ पर कोफ्ते हैं, ये बड़े पाए हैं, बड़े पाए ये है जी, बड़े पाए। ये यहाँ पर हलीम, चिकन हलीम है, चिकन हलीम है, और यहाँ पर चने, चने मिल्की चने। और बको जी, और ये हॉल है जी इनका, बैठने के लिए इनका बेहतरीन। यहाँ पर जी इनके ये नान गए हैं, इधर लेकिन इधर पर देख सकते हैं यहाँ नान बता रहे हैं, स्पेशल नान, मिल्की नान, गार्लिक नान, आलू वाला, कीमे वाला। वाह जी, खाना माशाल्लाह अच्छा होता है इनका, और हम डेली खाते हैं यहाँ से, नाश्ता हमारा यहीं से होता है, और इनकी जो है अपना सर्विस वगैरह वो हर चीज़ ठीक है। इलवी वालों का एक नाम है, इलवी वाले अपने नाम से ही मशहूर है। मिंचनाबाद, बहावलनगर, बहावलपुर और बोरेवाला, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी नाश्ता किया इलवी वालों का नाम ही काफ़ी है हमारे लिए। इनका जायका और नान और सफाई हर तरह से ये बहुत अच्छे हैं, इनका जो इखलाक है वो भी अच्छा है। ये जी अरफान अलवी का ये नाश्ता आ चुका है, यहाँ पर ये कोफ्ते हैं, बड़े पाए, हलीम और चने, साथ में गर्मा गर्म से नान, और रायता भी भाई वो ला रहे हैं। तो जी करें जी ट्राई, ट्राई करते हैं, अभी हम ट्राई करके बताते हैं आपको कि कैसा टेस्ट है इनका। तो ट्राई करते हैं इनके, हम कोफ्ते भी ट्राई करते हैं और चने भी ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान। उमर भाई, वेरी नाइस, बहुत नेचुरल टेस्ट है, बिल्कुल इतना वो मसाला वगैरह या कोई चीज़ नहीं डाली वगैरह, तो मज़ा आ गया खा के। ये हलीम भी चेक करके ज़रा बताए ना, नागरें को बिल्कुल नाइस है जी।
अभी हम भूरे वाला के नाश्ते एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पर ये हलवा पूड़ी वाले मिले हैं, यहाँ पर हलवा पूड़ी और चनों का नाश्ता मिलता है। ये चाचा जी हैं जो भी लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। चाचा जी क्या हाल है? अल्लाह पाक की रहमत। कितनी देर से लगा रहे हैं ये? कितना? 60 साल हो गए। 60 साल हो गए। क्या क्या होता है आपके पास हलवा पूड़ी का? हमारे पास हलवा पूड़ी होता है, दोपहर का खाना होता है। अच्छा, दोपहर का खाना। मिठाई होती है हमारे। लड्डू बहुत मशहूर है और हलवा पूड़ी पूरे पूरे में हमारा मशहूर है। ये देखें। अच्छा, घी इस्तेमाल करते हैं। ये है जी यहाँ पर नाश्ता। अभी ये आगे आए हैं बुरेवाला में, यहाँ पर है साईं मुर्ग चने वाले। यहाँ पर काफ़ी रश है, अंदर चल के देखते हैं। क्या क्या है नाश्ते में? छोटे सिली पाए, बड़े पाए, चने, आटा, मुर्गा, चावल। आप लाते बोले? नहीं, आप लाइए। ना आने बोले तो ये सब 50 रुपए थे। अच्छा जी, आगे आगे चाहिए आगे। अच्छा जी, लो बेटा जी। और नाम है? बच्चा रे खाड़ी है यार, बच्चा रे खाड़ी है। वालेकुम सलाम। नाश्ता आ चुका है हमारे पास बुरे वाला में, इस वक्त हम मौजूद हैं वैराटी बाजार में। ये छोटे पाए हैं, चावल हैं, साथ में रायता और ठंडा। ये भी छोटे पाए।
स्वाद हुआ। नॉर्मल से मसाले हैं, ज़्यादा कोई स्पाइसी नहीं है, बेहतरीन है। कभी ये चने कट करके देखते हैं। करते हैं साईं के मुर्गे चने हाड़ी बाजार बूढ़े वाला, तो देखने को माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो खाने के बाद आपको बताते हैं इनका कैसा टेस्ट है। बिल्कुल जबकि तरह यहाँ पर ये साईं जी के होटल पर यहाँ पर नाश्ता करने के बाद वो सामने है जी, इधर वो पराठे वाले बैठे हैं। कोटा जमा प्याला होटल है जी सामने, यहाँ पर पराठे लगते हैं। अभी वहाँ पर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कौन सा पराठा लगा रहे हैं? आलू वाला, सादा पराठे, अंडे वाला, चिकन वाला, आलू अंडे वाला। ये वाला कौन सा है? ये आलू वाला। भाई आप ही खान हो? हाँ खान साहब हो आप। ये यहाँ पर चाय तैयार होती है। ये देखो भाई जान, कोई देश की वगैरह नहीं रखी, ऐसी तैयार करते हैं, ऐसी तैयार करते हैं चाय। ये इसमें